हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। और आज गार्डन में बहुत राहत है क्योंकि रात में हमारे वहाँ थोड़ी सी बारिश हुई थी और उतनी ही बारिश में पौधे अभी ठीक दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं और आज पानी देना भी नहीं पड़ा। और देखिए, गार्डन में रात में आंधी जैसी आई थी, कुछ तेज़ हवाएँ चली थी, तो देखिए कुछ पॉट्स नीचे भी गिर गए हैं और उनको उठा के अभी स्टैंड पे रखना है। तो जो बड़े पॉट्स होते हैं और उनमें प्लांट अगर बड़े हो जाते हैं तो बारिश के टाइम में यही दिक्कत होती है, बहुत अगर हल्की सी भी तेज़ हवा चलती है तो इस तरह के बड़े प्लांट गिर जाते हैं। और देखिए, ब्रांच भी टूट गई है, उसकी चंपा का प्लांट था और उसकी एक ब्रांच भी टूट गई है। तो इस तरह के बड़े पॉट अब मैं सोच रही हूँ ऊपर स्टैंड पे ना रखूँ, जब तक बारिश का मौसम है उसको कहीं नीचे ही मैं रहने दूँगी, वहाँ पे कुछ छोटे गमले रख दूँगी जिससे आंधी आए तो पौधे गिरे। देखिए, प्लांट्स के कुछ सीड मेरे पास थे, उसको मैं लगा रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए, तुरई के दो प्लांट निकले हुए हैं, तो इसे ग्रो बैग में मुझे शिफ्ट करना है और मैंने अभी ग्रो बैग ऑर्डर किया है, तो दो तीन दिनों में वो आ जाएगा। तब तक ये पौधे भी थोड़े बड़े हो जाएंगे, फिर उसमें मैं इसको शिफ्ट कर दूँगी। और कुछ लोबिया के सीड हैं, तो लोबिया के प्लांट तो ट्रांसफ़र करने पे ख़राब हो जाते हैं लगभग। और यहाँ पे देखिए, चौलाई मैंने डाली थी थोड़ी सी, तो ये बहुत अच्छे से अब ग्रो करने लगे हैं। लाल वाली चौलाई है और ये हरी वाली, दोनों ही अच्छे से इसमें उगाए हैं। तो इस तरह से जब आपके पास अगर बहुत बड़े साइज़ का पॉट हो और उसमें बड़े प्लांट लगे हुए हों तो उनके नीचे इस तरह से चौलाई, हल्के जो प्लांट होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, उनको लगा सकते हैं। चीकू पे देखिए, इस तरह से फ्रूटिंग हो रखी है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण, धूप के कारण ऐसा लग रहा था फल जैसे उतने ही बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हो। सबसे बड़े साइज़ का चीकू जो है अभी यहाँ पे देखिए, ये वाला चीकू हो रखा है और मैं इसको तोड़ नहीं रही हूँ, प्लांट पर ही छोड़ रही हूँ कि किस तरह ये पकता है, देखना है मुझे। यहाँ पे देखिए, इस तरह से जो ट्रे पॉट है इसमें भी मैंने डाल दिया है, चौलाई के बीज डाले हैं, तो इस तरह से अभी छोटे छोटे से देखिए ये चौलाई निकल रही है, काफ़ी छोटे छोटे हैं अभी। अब एक बार बारिश का पानी इनको मिल गया है और मौसम इसी तरह अगर रहा बदली सा, तो बहुत तेज़ी से पौधे अब बढ़ेंगे जितने भी पौधे हैं। यहाँ पे देखिए, जितने भी एक बैंगन का पौधा मैंने बचा रखा है पुराना और बाकी लगभग गार्डन से हटा दिया है, तो अब बारिश का पानी मिलते ही ये भी पौधा मेरा फिर से सही हो जाएगा। थोड़ा सा फर्टिलाइज़र वगैरह दे दूँगी मैं। और यहाँ पे सीड मेरे पास रखे हुए थे खरबूजे के, तो उसको मैंने देखिए डाल दिया था और कितने अच्छे से ग्रो बैग में ये चल रहे हैं और इसमें इस तरह से अब फ्रूटिंग भी आने लगी है। यहाँ पे देखिए, एक फ्रूट यहाँ है और एक इधर भी है, तो अगर इनको बड़ा ग्रो बैग मिल जाता है तो टेरेस पे भी थोड़े बहुत ये हमको फ्रूटिंग मिल जाते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो अभी ये चलेंगे कुछ दिन। और इन सब में मैंने सीड डाले थे भिंडी के, लेकिन अभी तक मुझे दिख नहीं रहा है एक भी प्लांट उगा हुआ, एक ये सिर्फ दिख रहा है। इस ग्रो बैग में जितने भी बीज डाले थे मुझे लग रहा है ख़राब हो गए हैं। और ये वाला प्लांट जो है भिंडी का ही है, इसको शिफ्ट किया था क्योंकि एक ही ग्रो बैग में कई पौधे हो गए थे, तो मैंने सोचा शिफ्ट कर दूं, लेकिन ऐसा लग रहा है ये चलेगा नहीं, और इसमें भी शिफ्ट किया था। बाकी जो पहले मैंने सीड से ग्रो किए थे वो देखिए इतनी बड़ी हो गई है भिंडी, भिंडी के पौधे इतने बड़े हो गए हैं। और इस बार भिंडी के पौधे में बहुत अच्छा मुझे जो भी मैं बीज डाल रही, ये देखिए ऊपर से पौधा कितना अच्छा लग रहा है और नीचे का हाल देखिए, कितने ज़्यादा मिली बग्स लगे हुए हैं, और अगर हम ना ध्यान दें तो धीरे धीरे पूरा पौधा हमारा सूख के ख़राब हो जाएगा। तो आगे पीछे कई बार मैंने सीड लगाए थे, उसी में कुछ निकले हैं, जैसे ये सबसे पहले मैंने लगाया था तो ये प्लांट देखिए कितना बड़ा हो रखा है, फिर उसके बाद में ये वाले सीड लगाए थे तो ये भी उगाए हैं। तो 5-6 ग्रो बैग में इस तरह से भिंडी के बीज आए हैं और ये लोबिया। और इस बार मैं सीड जो लेके आई हूँ वो वाइट कलर के हैं बीज उनके, और बहुत लंबी सी इनकी ब्रांच हो रही है। अब तक जो मैं पौधे लगाती थी, जो सीड लगाती थी, वो छोटे ही पौधे में उसमें जो है वो लोबिया आने लगता था। इस बार किस तरह से ये प्लांट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा कुछ मुझे आइडिया नहीं है इस पर कब आएंगे लोबिया। और यही वाले सीड मेरे पास हैं तो सब में मैंने लगा दिया है,
तो इसके लिए भी बड़ा ग्रो बैग चाहिए। इस वाले पॉट में तो ये नहीं होगा, तो देखती हूँ आज इन पौधों को भी, क्योंकि मौसम थोड़ा सा सही लग रहा है, तो इन पौधों को भी बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट करने की कोशिश करूँगी, जिससे ये पौधा अच्छे से चलने लगे। और यहाँ पे भी देखिए लोबिया के बीज डाले हैं, इसको भी मुझे शिफ्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि इतने छोटे पॉट में इतने पौधे आएंगे नहीं। और मिर्चा देखिए, मिर्च का जो जितने भी दो पौधे हैं गार्डन में, अब फिर से इनमें बारिश का पानी मिलते ही फिर से ग्रोथ आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए कुछ कलियाँ बन भी रही हैं। तो बहुत ज़्यादा अभी कुछ गार्डन में मैंने लगाया नहीं है। यहाँ पे देखिए खरबूजे के बीज जो मैंने लगाए थे, इसमें से खरबूजा भी 4-5 निकला था, लेकिन उसके बाद ये पौधा ख़राब हो गया। अब मुझे नहीं लगता है बारिश आने पे भी इन पौधों में ग्रोथ होगी। और बोरी में उतने अच्छे से ग्रो भी नहीं करते हैं पौधे, ग्रो बैग्स में जितना अच्छे से ग्रो करते हैं। यहाँ पे मैंने सेम का पौधा लगाया था और इसकी भी हालत देखिए किस तरह से ये पौधा झुलस गया है। यहाँ पे तो अभी इनमें फिर से देखिए नई ग्रोथ दिख रही है, तो कट कर दूंगी, शायद ये चल जाए। और लेकिन ये खरबूजे वाले जितने भी पौधे हैं इनको हटा दूंगी और ग्रो बैग में सारी मिट्टी इकट्ठा कर लूँगी। अगर मिट्टी नहीं इकट्ठा किया तो बारिश अब आने वाली है तो पूरे छत पर मिट्टी मेरी फैल जाएगी, क्योंकि ये बोरियाँ बहुत जल्दी फट जाती हैं। तो बोरियों में जहाँ तक लगता है बहुत कम ही अच्छे से फ्रूटिंग या फ्लावरिंग होती है, क्योंकि ये बहुत कम चलते हैं। अभी मुझे इसको मुश्किल से 3 मंथ भी नहीं होंगे, देखिए किस तरह से ये ख़राब हो रहा है। तो बोरियों में लगाना उतना अच्छा नहीं है। अगर ग्रो बैग्स हैं हमारे पास तो वो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, उसमें हमें लगाना चाहिए। और यहाँ पर देखिए तुरई मैंने लगा दी है, 4-5 पौधे एक ही पॉट में इस तरह से लगा दिए हैं, और ये छोटी वाली तुरई है। अब इस प्लांट में मैं एक बार गोबर की खाद दे दूंगी तो बहुत तेज़ी से ये बढ़ेगा। इस तरह से भिंडी वगैरह हम लगा सकते हैं गार्डन में, लेकिन भिंडी एक दो ग्रो बैग में मत लगाइए। अगर आपको एक टाइम की सब्ज़ी चाहिए तो कम से कम 10 ग्रो बैग तैयार करिए और एक ग्रो बैग में 2 से 3 पौधे आप लगाइए, 12 इंच वाले ग्रो बैग में या 15 इंच वाले ग्रो बैग में, तब एक टाइम की सब्ज़ी के लिए अच्छा आपके पास भिंडी आपको मिल जाएगी। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ये जिमीकंद, ये भी मैंने उसमें दिवाली के आसपास डाल दिया था, अब ये इस तरह से निकल आए हैं पौधे। लौकी के बीज ग्रो बैग में मैं नहीं उगाती हूँ, कितना भी बड़ा ग्रो बैग हम दे दें तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लौकी उसमें नहीं आएगी, 5 से 6 लौकियाँ आएगी। उस पर भी बहुत ज़्यादा हम कंपोस्ट और बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। तब जो छोटे बेल वाले पौधे होते हैं, जैसे इस तरह के ये लोबिया हो गए या छोटी वाली तुरई हो गई या सेम के पौधों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है अगर हम 15 इंच या 15 इंच से ज़्यादा का ग्रो बैग दे दिए हैं। तो इस तरह के छोटे बेल वाले पौधे बहुत अच्छे से गार्डन में हमारे चल जाते हैं। तो अभी मैं कुछ सीड लगाने जा रही हूँ इस ग्रो बैग में, मैं इसी के सीड लगाऊंगी इस प्लांट के, जिसको ग्वार फली बोलते हैं। और एक बार मैंने लगा दिया था, गर्मी की वजह से ये अच्छे से देखिए निकला नहीं है। तो इस में मैं, क्योंकि लोबिया के काफ़ी प्लांट हो गए हैं, ग्वार फली के ही प्लांट में इसमें सीड लगाऊंगी आज। इस तरह से आप भी अपने गार्डन में थोड़े थोड़े से सब्जियों के पौधे लगा सकते हैं, और फ्लावरिंग के साथ कुछ ना कुछ हमको हार्वेस्ट करने को भी मिलता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की अपडेट कि सब्जियां कैसे चल रही हैं गार्डन में हमारे। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।